नमस्कार। और आपको पता है कि नाभि एक बहुत बड़ी समस्या है, और नाभि बड़ी समस्या नहीं, बहुत बड़ी समस्या है। हमारे साथ में फिरोज अहमद जी हैं, फिरोज अहमद डार, और आप जानते हो इनका 30 किलो वजन लॉस हो चुका है। अभी कितना वजन है, 40 किलो 42 किलो नहीं, 40 किलो वजन है, तो आप समझो 35 किलो वजन लॉस हो गया। इनका वजन 75 था, और नाभि वाले व्यक्ति का वजन परमानेंट लॉस होता ही रहता है। तो आज के समय में डाइट एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है नाभि वाले व्यक्तियों के लिए। तो हर व्यक्ति को आज के समय में पता ही है कि डाइट में क्या लेना है क्या नहीं लेना है, लेकिन फिर भी वो करेक्ट डाइट नहीं लेता। जिस व्यक्ति को नाभि की प्रॉब्लम है, उस व्यक्ति की ध्यान रखना कि वो मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट कम ही खाए। सुबह के टाइम अगर उसने दूध लिया तो वो जहर है, खाली पेट दूध नाभि वाले को लेना ही नहीं है। मॉर्निंग के टाइम दूध लेना ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मैदे का कोई प्रोडक्ट नहीं लेना, कोई भी मैदे का प्रोडक्ट नहीं लेना, जैसे भटूरा हो गया, चाउमीन हो गई, मोमोस हो गया, बिस्किट हो गए मैदे के, रस हो गए मैदे के, ब्रेड हो गए मैदे के, बहुत सारे जो आइटम्स होते हैं मैदे के, पूड़ियाँ हो गई मैदे की, रोटियाँ हो गई मैदे की, डबल रोटी हो गई मैदे की, मैदे से रिलेटेड आपको लगता है कि ये चीज़ मैदे की है या हो सकती है, आपको डाउट है, खास ध्यान रहे कि मैदे की डाउट है कि ये है या इसमें हो सकती है, तो आप यूज नहीं करेंगे मैदे का एक भी प्रोडक्ट, यूज नहीं करेंगे, खासकर जिन व्यक्तियों को पेट की समस्या है। और उसके अलावा वो व्यक्ति तले हुए तेल में से, जो तला हुआ तेल है जो एक बार तल जाता है, उस तेल को, तले हुए को दोबारा यूज नहीं करेंगे, तेल की चीज़ें खाएंगे नहीं, किसी भी तरह का ऑयल होता है वो आपने यूज नहीं करना। इसके अलावा शाम को जैसे ही घड़ी में 6 बजे आप खाना नहीं खाएंगे, 6 बजने के बाद खाना खाना नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि नाभि वाले व्यक्ति को या तो लूज मोशन होते हैं, या 90% लोगों को नाभि ऊपर चढ़ती है, और ऊपर चढ़ती है तो गैस, एसिडिटी, कब्ज, सांस फूलना, ब्लोटिंग, ये सब रहता है। तो नाभि वाले व्यक्ति को सुबह हल्का खाना खाना है, दोपहर में हल्का खाना है, और रात को 6 बजे के बाद खाना खाना ही नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को दलिया, ऐसे व्यक्तियों को पोहा, ऐसे व्यक्तियों को खिचड़ी, ऐसे व्यक्तियों को लोबिया, जिसे हम अपनी भाषा में रमास बोलते हैं, बहुत कम, हल्का, ज़्यादा नहीं, वो खा सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को ऐसी चीज़ें खाएं, वो अपने ऊपर एनालिसिस करें कि वो व्यक्ति क्या खाने से उसको पेट नहीं फूल रहा, पेट में फुलावा नहीं आ रहा, गैस नहीं बन रही, एसिडिटी नहीं बन रही, वो उस चीज़ को खाए। और जिस व्यक्ति को नाभि की प्रॉब्लम है, वो बॉडी की स्ट्रेचिंग जरूर करे, बिना स्ट्रेचिंग के वो ना रहे, स्ट्रेचिंग जरूर करे। नाभि के केस में खाना, फूड एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, ध्यान रहे। और खाना ऐसा ही खाएं जो आपको हजम हो जाए, और ऐसा खाना ना खाएं जो आपको नहीं हजम हो रहा। और नाभि की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम है, ये हमारी अपनी देन है, ये कोई बाहरी व्यक्ति हमें देता नहीं है, खास ध्यान रखना, कोई बाहरी व्यक्ति हमें देता नहीं है नाभि की प्रॉब्लम को। तो लाइफस्टाइल अगर हमने नाभि की प्रॉब्लम में सुधारी, तो हमारी सारी चीज़ें सुधर जाएंगी, अन्यथा नहीं सुधरी तो बहुत सारे हजारों लाखों केस हमारे पास आ चुके हैं। और वो व्यक्ति पता क्या कहता है, सर हम फलानी जगह से नाभि को बैठा के लाए तो फिर हट गई, हम वहाँ से लाए ठीक करवा के फिर हट गई, क्योंकि नाभि को जो मसल्स ऐसे बांध के रखती हैं इस तरीके से, वो मसल्स लूज हो जाती हैं, तो नाभि अपने आप इधर उधर हट जाती है, ठीक है। तो आपने लाइफस्टाइल को सुधारना, तभी आप नाभि के मरीज नहीं कहलाएंगे, अन्यथा तो आप परमानेंट नाभि के मरीज कहलाएंगे, और जगह जगह भटकेंगे, ठीक नहीं होने वाले। उदाहरण हमारे सामने है कि सर का 35 kg वजन लॉस हो चुका है नाभि के कारण ही, 35 kg। और आप एक बार निगाह मारिए कि इनकी स्थिति क्या हो, से क्या हो गई है, बद से बदतर होती जा रही है, अभी भी वजन लॉस होता जा रहा है आपका जी, अभी भी इनका वजन लॉस होता जा रहा है। तो हमें समझना चाहिए कि हमने चीज़ों को ख़राब नहीं करना, अच्छा करना, ठीक है। आप डाइट को बहुत ही संभाल के लीजिए। नमस्कार।